कोरोना के चलते किसानों की बुरी हालत होने के साथ अत्यधिक पानी और धूप से सोयाबीन, मूंग, उड़द की फसल पूरी तरीके से नष्ट होने से किसानों को भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहुत से किसानों की हालत ये है कि बीज बोने के लिए भी कर्ज लेना पड़ा था और अब फसल नष्ट हो गई तो कर्ज कैसे चुकेगा। किसानों के हक के लिए किसान कांग्रेस कमेटी हटा ने नारेबाजी और प्रदर्शन कर अनुभागीय अधिकारी के समक्ष कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें फसलों का तत्काल सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई है। किसान कांग्रेस के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है। विगत कई वर्षों से किसानों की फसल बीमा की राशि जो कि हटा विधानसभा के किसानों को प्राप्त नहीं होती है और आज सोयाबीन और मूंग और उड़द की फसल नष्ट हो गई है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसके लिए शीघ्र कार्रवाई हो और किसानों को उचित मुआवजा मिले, इसके लिए आज हम सब लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। सरकार को जो नींद में सो रही है जगाया है। अगर जल्दी किसानों का सर्वे कराकर वो मुआवजा राशि नहीं दी जाती है तो एक बृहद आंदोलन पूरे हटा विधानसभा के किसानों के द्वारा तहसील का घेराव किया जाएगा। जिस हिसाब से किसानों का नुकसान हुआ है, सोयाबीन की फसल मर गई है, उड़द में की फसल मर गई है, उस हिसाब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से किसान कांग्रेस के द्वारा एक मांग की जा रही है। हर ब्लाकों में ज्ञापन दिया जा रहा है कि उसका वो सर्वे कराएं। जैसे कि पहले जब शिवराज सिंह अभी 15 महीने पहले विपक्ष में थी, कल उनका मैं एक वीडियो देख रहा था, वो जिस हिसाब से कमलनाथ जी से मांग कर रही थी कि मैं खेत के अंदर गया, इतने इतने पानी में गया। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से कहना चाहता हूँ कि अब आपके सब कुछ आपके हाथ में, आप इस प्रदेश की मुखिया है, कृपया करके अब आप फिर उस खेत के अंदर जाएं और देखें किसानों की क्या दशा है। मैं मांग करता हूं और उचित कार्रवाई करके हमारे जो किसान भाई आज परेशान हैं, जो बीमा की राशि नहीं आई है, उनको दिलाई जाए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में जो ये बीमा वाली बात आ रही है कि हम बीमा कंपनी से आपको क्लेम दिला देंगे, अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने ये तय नहीं किया कि किस बीमा कंपनी से बीमा की राशि किसानों को दी जाएगी। ऐसी स्थिति में जब किसानों की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई है तो कोई भी बीमा कंपनी आकर इनका मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं होगी। हालांकि ये तो सरकार का विषय है कि कब बीमा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, RBC 6-4 में प्रावधान है कि तत्काल किसानों को उनकी फसल का मुआवजा दिया जाए ताकि जो आगामी फसल है उसकी वो तैयारी कर सकें और अपनी फसल बो सकें।